नाउ इन दिस लेक्चर वी स्टार्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेडियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव का मतलब क्या हो गया, जिसमें से अल्फा बीटा गामा क्या हो, इमिटेड हो. आगे लिखना, ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ रेडियम आर रेडियो एक्टिव. All the isotopes of radium are radioactive. इसके जितने भी isotopes होते हैं सब के सब क्या होंगे, रेडियो एक्टिव होगा. आगे लिखना, its longest lived isotopes is radium 88 or 226. T1/2 = 1600 years. T1/2 का मतलब होता है हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है उसके आधे होने में कितना लगेगा टाइम. मतलब कोई भी चीज है, इसे ये मार्कर है, यहां तक इंक भरा हुआ है, इसके आधे होने में कितना टाइम लगेगा, आधे इंक खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम. तो रेडियम को आधे होने में, उसके आधा अमाउंट होने में, अगर मान लो 100 ग्राम का है तो 50 ग्राम होने में उसको 1600 साल लग जाएगा. तो हाफ लाइफ टाइम का मतलब होता है जस्ट उसकी कंसंट्रेशन का आधा हो जाना, अमाउंट आधा हो जाना, वो आधा होने में 1600 ईयर लेगा. उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, रिप्रेजेंट करते हैं T1/2. आगे लिखना, they are reactive but less reactive than alkali metal. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, they form bivalent cation, यानी Mg+2 Ca+2. they form bivalent cation because to complete their octet it lose two electron. To complete their octet, it lose two electron, and its ionization enthalpy will also low. And high heat of hydration. मतलब हाइड्रेटेड एनर्जी के बारे में बोल रहा है.
कि इसका हाइड्रेटेड एनर्जी क्या होता है, ज्यादा होता है। पानी के अंदर ये प्लस टू दिखे, मतलब ऐसे भी प्लस टू दिखाएगा, पानी के अंदर भी प्लस टू दिखाता है एक्वस के अंदर, इसका मतलब उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। आयनेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, तब जल्दी से दोनों क्या कर देता है, लूज कर देता है। नेक्स्ट जो लिखा हुआ है पेज नंबर 122 पर, वो आपका इंपॉर्टेंट मिनरल्स ऑफ ग्रुप नंबर टू लिखा हुआ है, तो ये आपको रटना पड़ेगा, बराबर है क्या? तो इसमें से कुछ कुछ मैं टिक करवा दे रहा हूं, वो आपको रटना है जो इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम वाला लिखो, वहीं पर बुकलेट में टिक कर लेना, डोमोलाइट है, सॉरी डोलोमाइट, डोलोमाइट कार्नेलाइट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, डोलोमाइट कार्नेलाइट है और किसी राइट है, किसी राइट, कैल्शियम में टिक करना लाइम स्टोन, लाइम स्टोन, जिप्सम, जिप्सम, डोलोमाइट है, डोलोमाइट। स्नो नहीं दिया गया, इंडियन चार्लीपिट, चलो आगे लिखवाते, इसमें हमको नहीं लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना 122 पर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है? पहले लिखेंगे नहीं, पहले ध्यान से देख लो, एक एक पॉइंट पढ़ो पहले, क्योंकि बहुत सारी चीज हम जानते हैं इसमें, एटॉमिक रेडियस हो या आयनेशन एंथैल्पी हो, हम बहुत सारी चीज जानते हैं। तो जो नहीं जानते हो मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी आप नोट डाउन करोगे उसको देख के। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम बेरिलियम टू रेडॉन, सॉरी रेडियम, ड्यू टू एडिशन ऑफ डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन इन न्यू सेल। मतलब जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट ऑर्बिट। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। तो सोडियम में और मैग्नीशियम में किसका रेडियस ज्यादा होगा, सोडियम का। लिथियम में और बेरिलियम में किसका रेडियस ज्यादा होगा, तो पहले देख लो उसके बाद लिखना, अभी लिखना नहीं है। तो कहने का मतलब अल्कली मेटल इज लार्जर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल इज लार्जर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल इज लार्जर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, कोई पूछे क्यों, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, या हम बोल सकते हैं कि दोनों का ऑर्बिट क्या है, सेम है। तो ऑर्बिट सेम है तो प्रोटॉन चेक किया करते हैं, तो हम बोल देंगे कि लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज बढ़ता चला जाता है, इसलिए रेडियस डिक्रीज हो जाता है। तो टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज एंड लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज, दैट्स व्हाई अल्कली मेटल विल बी लार्जर देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ऐसे हम पढ़ रहे हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल, हम बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल इज स्मॉलर देन अल्कली मेटल,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये हर बार कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर होगा? हर बार कंपेयर होगा, टॉप टू बॉटम होगा और अल्कली से अल्कलाइन का होगा। याद होगा जब तुम आए थे स्टार्टिंग में तो बेसिक चीजें मैंने ये सारे टीच किया था, दोनों को साथ में कंबाइन करके बताया था, अल्कली का और अल्कलाइन का कंबाइन कर करके बताया हूँ। स्टार्टिंग वाला पेज जब इनिशियली जब तुम आए थे उस समय वहाँ पेज ओपन करके देखोगे, रिवाइज करोगे तो सब मिलेगा वहाँ, लेफ्ट टू राइट अल्कली में और अल्कलाइन में किसका रेडियस ज्यादा है किसका कम है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अल्कली मेटल टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा? सीजियम में। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज, ठीक है, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी डिक्रीज। अच्छा मुझे बताओ अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है? अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल में किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज इसका कम है ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? डिफिकल्ट, ठीक है। तो हर चीज को माइंड में सेट करके रखो कि किसको हमें कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करना है तो साइज देखना पड़ेगा, साइज किसका कम है इसका कम है, इसीलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन में दिया गया है आई टू ऑफ सेकेंड ए विल बी लेस देन आई टू ऑफ, ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है यही स्टेटमेंट जो यहां देख रहे हो ना सेकेंड स्टेटमेंट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, यही सेम स्टेटमेंट जो है तुम पीरियोडिक टेबल में बनाए थे, तुम लोग को याद है कि नहीं है मालूम नहीं, बट सेम क्वेश्चन लेवल वन के होमवर्क में मिलेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी में। पेज नंबर ओपन करो 26, जो वॉल्यूम है तुम्हारे पास वही पेज नंबर ओपन करो 26, क्वेश्चन नंबर 94 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 94 पढ़ो, पेज नंबर 26 पर क्वेश्चन नंबर 96। अब जो वहां स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, अगर हमें लॉजिक आता है तो नाइन्टी फोर पढ़ो। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, बन गया सोडियम प्लस, सोडियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया सोडियम प्लस टू, एमजी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया बन गया एमजी प्लस, एमजी प्लस से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया बन गया एमजी प्लस टू, दिस वन इज आई वन, दिस वन इज आई टू सॉरी वन, दिस वन इज आई टू और दिस वन इज आई टू। अब अगर आई वन और आई वन का कंपेयर किया जाए तो बताओ किसका आई वन ज्यादा होगा, सोडियम का होगा या मैग्नीशियम का होगा? किसका एनर्जी ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने में? एमजी का, क्योंकि इसका साइज कम है ना, इसका साइज क्या है? कम है, बराबर है ना। तो अगर हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का तो इसका जो साइज कम है तो आई वन जो है वो mg का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आई वन ऑफ सोडियम, होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान देना, अब इस दोनों में कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा, आई टू mg का ज्यादा होगा या mg प्लस का ज्यादा होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा सोडियम प्लस का हो, क्यों? क्योंकि ये इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन हो गया है ना,
ये तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था, लूज कर दिया इसने। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281 सोडियम के जैसा है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 28 हो गया इसका। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये इनर्ट गैस बन चुका है, यानी Ie2 ऑफ सोडियम इज, अब यहाँ सोडियम प्लस नहीं लिखेंगे, Ie2 ऑफ सोडियम लिखेंगे, इज लार्जर देन Ie2 ऑफ Mg, यहाँ Mg लिखेंगे, तो Ie2 ऑफ Mg, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, हमने इसमें और इसमें कंपेयर किया, इसमें और इसमें किया, अब इसमें और इसमें करते हैं थर्ड। अब हम लिखेंगे, अब मुझे बताओ कि अगर मैं लिखूं Ie2 ऑफ सोडियम, Ie2 ऑफ सोडियम लिखेंगे, सोडियम प्लस नहीं लिखना है, और यहां पर लिखेंगे Ie1 ऑफ Mg। अब मैं ग्रेटर देन का साइन किधर लगाऊं, किसका वैल्यू ज्यादा होगा, ये वाला या ये वाला, किसका वैल्यू ज्यादा है, इस दोनों में कंपेयर किया हमने, किसका वैल्यू ज्यादा है, किसका वैल्यू ज्यादा है, ये वाला कि ये वाला। तो देखो ये है इनर्ट गैस, तो ऑब्वियस सी बात इसका ज्यादा होगा, इनर्ट गैस थोड़े ना है, ये है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए Ie2 इज लार्जर देन दिस वन। तो हमने कंपेयर इसमें करवाया, हमने कंपेयर इसमें करवाया, हमने कंपेयर इसमें करवाया, बराबर है। अब ऑप्शन पढ़ो 94 में, जो वन लिखा है मतलब Ie1 लिखा है, तो Ie1 ऑफ सोडियम इज लार्जर देन Mg, क्या सही लिखा है, Mg इज लार्जर देन सोडियम ना, पहला स्टेटमेंट सही लिखा है गलत लिखा है, Ie1 यहां के स्टेटमेंट से पढ़ो, ऑप्शन के क्वेश्चन नंबर 94 के ऑप्शन पढ़ो, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग लिखा है, सेकंड क्या लिखा है, अब ऑब्जर्व करो सारे क्या क्या सही सही लिखा है, बताओ बिना आंसर देखे कौन सा आंसर सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, 1, 2, 3 क्या लिखा, गलत लिखा है ना, 4 सही लिखा है ना, मिलाओ सब कुछ, यही स्टेटमेंट आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल में लिखना है, इसको लिख लो। तो तुमसे Ie1 पूछे, Ie2 पूछे, ये पूछे, जो पूछे उसका हम जवाब दे सकते हैं, बस हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉजिक, रटने से नहीं होगा, तो हम रट लेंगे तो हो जाएगा, हमारे पास लॉजिक होना चाहिए कि हम कैसे उसको कंपेयर करें। तो अगर मैं सोडियम का जगह अल्कली लिख दूं और यहां अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल लिख दूं, तो यहां Mg की जगह पर अल्कलाइन हो जाएगा, यहां अल्कली हो जाएगा, यहां अल्कली हो जाएगा, यहां अल्कलाइन हो जाएगा, यहां अल्कली हो जाएगा, यहां अल्कलाइन हो जाएगा। तो इस तीनों स्टेटमेंट को लिख लो,
लिख लिए। अब पेज नंबर आ जाओ 123 पे, जहां हम पढ़ रहे थे। 123 पर आ जाओ। अब जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, आई टू ऑफ सेकेंड ए एलिमेंट इज लेस देन आई टू ऑफ फर्स्ट ए, इस स्टेटमेंट को पढ़ो। क्या जब तुम्हारे सामने ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा तो तुम ट्रू और फॉल्स पहचान पाओगे या नहीं पाओगे? पेज नंबर 123 पर जो आयोनाइजेशन इंथेल्पी में आई टू ऑफ सेकेंड ए इज आई टू ऑफ सेकेंड ए, आई टू ऑफ सेकेंड ए ऑफ द एलिमेंट इज लेस देन डेट ऑफ आई टू ऑफ फर्स्ट ए, इस दोनों में कंपेयर करवाया है, कौन सा वैल्यू ज्यादा है? ये वैल्यू ज्यादा है। पूछेगा क्यों, आंसर क्या बोलोगे? बोले क्यों, नीचे लिखेगा assertion और नीचे लिखेगा रीजन। रीजन में क्या लिखोगे? इट हैज इनर्ट गैस कॉन्फिग्रेशन, लिख लेना सारे चीजें। तो सोडियम और मैग्नीशियम नहीं बोल के अल्कली और अल्कलाइन भी बोलेगा तो चलेगा, या फर्स्ट ए और सेकेंड ए भी बोलेगा तो चलेगा। तो जब जब तुमसे पूछे कि फर्स्ट आई ई वन ऑफ फर्स्ट ए या सेकेंड ए किसका ज्यादा होता है, तो Mg के जगह पे तुम सेकेंड ए भी लिखोगे तो चलेगा, और सोडियम के जगह पे फर्स्ट ए भी लिखोगे तो चलेगा। सोडियम के जगह पे फर्स्ट ए भी लिखोगे तो चलेगा, Mg के जगह पे सेकेंड ए भी लिखोगे तो चलेगा। यहाँ पर फर्स्ट ए भी लिखेगा तो चलेगा, और यहाँ सेकेंड ए भी लिखोगे तो चलेगा। या तो अल्कलाइन लिखो या अल्कली लिखो, ठीक है? तो कहने का मतलब है हमने एक एग्जाम्पल पकड़ा और उस एग्जाम्पल से हमने क्या किया, अपना सब कुछ कंपेयर कर लिया। अब जो भी स्टेटमेंट उसको पूछना होगा उसका हम जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो लिख लो इसको और रीजन भी लिख लेना, हर तीनों क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए क्यों, ठीक है? जो हमने तीन यहां लिखा है उसका आंसर आना चाहिए, आराम से लिख लो इसको। लिख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रेशन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है दे डू नॉट फॉर्म Mg प्लस, मतलब M प्लस नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां जाना एक्चुअली ये सब रिएक्शन जो है ये रिएक्शन के टाइम वगैरह तभी कर पाते हैं जब वो एक्वस सॉल्यूशन में एक्वस में रहते हैं, तभी ये रिएक्शन करते हैं। तो यहां से यहां जाना आयोनेशन एनर्जी कम हो जाता है, और यहां जब जाता है तो इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है, इसीलिए एक्वस के अंदर ये यहां से यहां जाना ये पसंद करता है, मतलब ये लाइक करता है, क्योंकि ये कम हो जाता है और ये ज्यादा हो जाता है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो जाता है। तो आयोनेशन एनर्जी क्या है? एंडो है, एंडो है ना, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? एक्जो है। तो हम ये चाहते हैं कि हम कम एनर्जी दे और ज्यादा एनर्जी क्या हो, रिलीज हो। तो यहां पर वही कंडीशन होता है कि हम कम एनर्जी देते हैं और जब ये बन जाता है तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, इसीलिए हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल हो जाता है, और इसीलिए Mg प्लस से Mg प्लस टू जाना पसंद करता है। तो राइट डाउन कर लेना, चाहे अभी नहीं करने के लिए बोला है, ठीक है? तो इसको ध्यान रखना, अल्कलाइन अर्थ मेटल डू नॉट फॉर्म M प्लस, इट फॉर्म Mg प्लस टू ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी देन आयोनेशन इंथेल्पी आई टू, ठीक है? नेक्स्ट हाइड्रेशन एनर्जी है। तो हाइड्रेशन एनर्जी के लिए केटाइन के लिए क्या चेक किया जाता है? तुम्हारे दिमाग में अगर आएगा कि हाइड्रेशन एनर्जी चेक करना है तो केटाइन के लिए दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या सोचोगे कि हाइड्रेशन एनर्जी निकल जाए? क्या सोचोगे केटाइन के लिए, क्या सोचोगे कि हाइड्रेशन एनर्जी निकल जाए? केटाइन शुड बी लार्ज, केटाइन शुड बी स्मॉल,
कि टाइम शुड बी स्मॉल होना चाहिए, जितना छोटा होगा उतना ही वाटर क्या करेगा उसको ज्यादा सराउंड करेगा, ज्यादा सराउंड करेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा, ज्यादा आएगा तो क्या होगा उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा आएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या होगा रिलीज होगा ना, मोर स्टेबिलिटी लेस एनर्जी, तो एनर्जी क्या होगा रिलीज हो जाएगा। तो याद रखना कल लिखवाया था ना, जितना साइज छोटा होगा उतना ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है, याद रखने का। दिमाग में एकदम बिल्कुल जब तक आ नहीं जाता है तब तक करते रहना है। तो बेरिलियम से लेके बेरियम तक, बेटा से लेके बाप तक, आयनेशन एंथैल्पी क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा डिक्रीज होगा। सबसे छोटा कौन है, बेटा या बाप, है बाप छोटा होता है, बेटा छोटा होगा ना, बेटा छोटा होगा तो बेटा का हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा ज्यादा होगा, बाप बड़ा होता है ना, तो बाप का हाइड्रेशन एनर्जी कम होगा, ये हाइड्रेशन एनर्जी है। अभी लिखना नहीं है, अभी बस ऐसे बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट थोड़ा सा हाइड्रेटेड के बारे में बात किया इसने, ठीक है। MgCl2, CaCl2, NaCl और KCl do not form such hydrated। अब ध्यान देना यहां पर, बेरिलियम, बेरिलियम का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है, बेरिलियम विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड हम जानते हैं, बेरिलियम विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड जानते हैं कि नहीं जानते, बेरिलियम कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है, बेरिलियम और लिथियम याद रखना दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो बताओ मेरे को बेरिलियम का मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना होता है, प्रगति दो मैक्सिमम मैं पूछ रहा हूं, आयन आयन दो होता है, गधे हो क्या एकदम, बेरिलियम BeCl2 कितना बॉन्ड बनाएगा, दो बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा ना दो बॉन्ड। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s, बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p0, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है दो, यहां पर कितने हैं एक, एक भी नहीं है, जीरो है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप मारेगा और यहां चला जाएगा, तो इसके पास कितने अनपेयर्ड है दो। तो बेरिलियम बॉन्ड बनाने के पहले ये तो हाइब्रिडाइज हो जाएगा ना, sp हो जाएगा इसका, s और p, ये तो हाइब्रिड हाइब्रिड बनेगा, उसके बाद ओवरलैपिंग होता है। अब ये नॉर्मल केस में दो बॉन्ड बनाया, दैट मीन्स इट हैज टू कोवैलेंसी, नॉर्मल केस में हमने बोला मैक्सिमम कोवैलेंसी। अभी इसके पास लोन पेयर लेने के लिए स्पेस अवेलेबल है, लोन पेयर लेने के लिए स्पेस अवेलेबल है, मतलब ये अभी और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना सकता है, इसीलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी चार होता है, यानी मैक्सिमम बेरिलियम चार बॉन्ड बना सकता है, दो कोवैलेंट और दो कोऑर्डिनेट, समझ आ गया। अब ध्यान से सुनना, जब ये पानी के साथ जाता है, जब ये पानी के साथ जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए सोचता है, तो उस केस में बेरिलियम प्लस टू हो जाता है, जैसी बेरिलियम टू होता है ये इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर चले जाते हैं, और जैसे ही बाहर जाते हैं ये एस और ये पी पूरा खाली हो जाता है, ये एस और ये पी पूरा खाली हो जाता है, उस केस में इसके पास चार ऑलरेडी बचे रहते हैं,
और यहाँ पर वाटर जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने लगता है, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में बनता है। इस केस में जो बेरिलियम है वो ऐसे केसेज में जो बेरिलियम है वो क्या होने लगेगा, BeH2O4 और चार्ज क्या है यहाँ +2। तो ये +2 जो है आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे बेरिलियम का तो बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा +2, वाटर का 0 होता है। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला वाटर इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। और कैसे बनाया है, पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो बेरिलियम का था उसने पहले लूज किया है, पहले क्या किया है लूज किया है। तो बेरिलियम का जो दो इलेक्ट्रॉन है वो +2 है इसका, इसका मतलब उसने क्या किया है लूज किया है। लूज करने के बाद ये इस कंडीशन में आया है। अब वाटर जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, वाटर में जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है वो वहां से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यहां बाहर ये आयनिक चार्ज ये इसके लिए है, ये चार्ज इसका है, ठीक है। तो यहां चार बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनने के पहले ये हाइब्रिडाइज हुआ होगा और इसको बोलते हैं sp3। यानी आपसे अगर पूछा जाएगा कि BeH2O4 का आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ तो आप बोलोगे sp3। बिरयानी तो क्या वो रुद्रा बिरयानी क्या बोल रहे हो सर, वो क्या वो स्टेबल होगा, कौन स्टेबल, बिना स्टेबल के लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है क्या। किसके स्टेबिलिटी के बारे में बात करो, सब स्टेबल है, बिना बनाए स्टेबल कोई होता है क्या, नहीं स्टेबल होता तो एग्जिस्ट ही नहीं होता। BeCl2.4H2O बिल्कुल स्टेबल है। BeCl2 का मतलब क्या हुआ, आयनिक बनाया है, आयनिक बनाया है, उसके उसने दो लूज किया है, उसने खाली हो गया था इसका, और खाली जब हो गया था BeCl2 आयनिक बनाया है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BeH2O4 और यहां पर प्लस नहीं लिख के Cl2 लिख दो, इसका मतलब इस दोनों में आयनिक बॉन्ड बना है इसीलिए हट गया है तो +2 आया है। इसको ऐसे लिखो ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, समझ में आया क्या, कुछ लिखे नहीं लिखे ना, ऐसा कुछ लग रहा है तुम्हें कि हमें लिखना चाहिए, नहीं ना, सब जानते ना, कोई डाउट है, ऐसा बोर्ड पे एक भी चीज नहीं दिख रहा है कि इस समय लिखना चाहिए, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नया नहीं मिला होगा जिसमें तुम्हें लिखना चाहिए, क्योंकि तुम अब 11 क्लास में आ गए हो, ऐसा कोई भी चीज नहीं दिख रहा है जिस समय ये चाहिए कि हम लिख ले उसमें से, क्योंकि दोबारा तो मिलेगा नहीं लेक्चर ही। या 10th क्लास के सर है जो लाइन बे लाइन लिखवा के दे हम, लिख लो इसमें जो चीजें मैंने बोर्ड पे एलिबरेट किया, इसका मतलब उसमें कंसेप्ट है, वो बुक में एलिबरेट नहीं मिलेगा तुम्हें। लिख लो ऐसे BeCl2 बेरिलियम फॉर्म मैक्सिमम
कोवैलेंसी 4। नेक्स्ट बेरिलियम फॉर्म, ये जितने भी वर्ड मुंह से निकलते हैं ना, जैसे हमने बोला कि बेरिलियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स का मोड, तुरंत धड़ाक से लिखना पड़ेगा, तुरंत हम लिखवा के नहीं देंगे। बेरिलियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बेरिलियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये मैंने वर्ड बोल दिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, वहीं धड़ाक लिख लो कि कॉम्प्लेक्स वर्ड बनाता है। इट फॉर्म BeH2O4BCl2BeH2O4+2, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कुछ भी इसमें से पूछ लिया जाएगा +2। हाइब्रिडाइजेशन sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बन जाएगा, 4। ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड है और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड है। ये जितना 4 पॉइंट मैंने लिख के दिया, ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा। कोई भी चीज है ये नहीं कि तब लिखना तुम लोग। बेरिलियम सॉल्ट ऑलरेडी मोर देन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स क्रिस्टलाइन, व्हाइल Mg सॉल्ट जनरली हैज 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इसके पास डी नहीं होता है, इसके पास डी होता है, इसीलिए 6 अटैच कर सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि BeCl2.4H2O होता है जबकि MgCl2.6H2O क्यों होता है, इसका जवाब क्या लिखोगे, इसके पास डी ऑर्बिटल्स है इसीलिए 2 एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में वो सक्षम है, लेकिन इसके पास अब आगे ऑर्बिटल्स खाली नहीं है इसीलिए अब इससे ज्यादा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। बेरिलियम सोल्ट रेयरली मतलब कभी कभी हैव मोर देन, कभी कभी इससे ज्यादा नहीं, ये मोर देन 4 वाटर नहीं होगा, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, क्रिस्टलाइज व्हाइल Mg सॉल्ट जनरली हैव 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी BeCl2.4H2O बनता है जबकि MgCl2.6H2O बनता है, ऐसा क्यों, इसके पास D होता है, इसके पास D नहीं होता है। BeCl2 कैन बी इजिली हाइड्रेटेड ड्यू टू हायर न्यूक्लियर चार्ज, इसके पास चार्ज ज्यादा होता है इसलिए लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के कैपेबिलिटी होता है इसके पास। BeCl2 हाइड्रेटेड फॉर्म BeCl2.4H2O और BeH2O, ये चार्ज जो मैंने लिखा था, इट इज एक्ट एज ए लुईस एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड एसिड। BeCl2 अब बेरिलियम के पास क्या है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है ना, बेरिलियम जो है वो क्या है, यहां पर वाटर के द्वारा लोन पेयर को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है उसको किस नाम से जानते हैं, लुईस एसिड के नाम से जानते हैं, विच हैज वैकेंट ऑर्बिटल, बताया था ना, इज नोन एज लुईस एसिड, बताया था कि नहीं बताया था, लुईस एसिड, ठीक है। तो इतना पॉइंट, उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज है, तो इतना पॉइंट हमने हाइड्रेशन एंथैल्पी में बताया, इसको नोट डाउन करो अभी, एटॉमिक रेडियस से लेके यहां तक सारे पॉइंट नोट डाउन करो और लिखते समय सोचो कि हमने क्या लिखा है, ये नहीं कि बुक में लिखा हुआ तो हम लिखेंगे नहीं, लिखते समय सोचो, जो डाउट है बोलो फिर।